हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पर नया अपडेट आया है, यानी कि यहाँ पर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है जो कि हर एक बैंकों को यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ पर आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है जो कि 30 सितंबर 2020 से लागू होगा। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो नया अपडेट आया है, आरबीआई की तरफ से जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 5 ऐसे नियम हैं जो आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं। हम 5ों नियम को यहाँ पर बारी बारी से देख लेते हैं। पहला, तो यहाँ पर आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जारी करते समय इसे सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन तक ही सीमित रखा जाए। कार्ड के जरिए ATM या POS मशीन से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर करना हो तो पहले इसकी इजाज़त लेनी होगी। आरबीआई ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बैंकों को गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कि कहा है कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं तो यहाँ पर आप उसका इंटरनेशनल लेन देन नहीं होना चाहिए उस कार्ड के थ्रू। सिर्फ आपको घरेलू लेन देन यानी कि इंडिया के अंदर ही उस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इंडिया से बाहर उसका ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, जिसमें कि आपको बता दें यहाँ पर फ्रॉड इस तरह से हो रहा था जैसे कि आपका ATM के थ्रू, ATM कार्ड के जरिए विदेश से भी बिना आपके पिन के विदेश से और बिना OTP के आपके से विदेश की वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शन हो जा रहा था, विदेश की वेबसाइट के थ्रू कोई भी लेन देन हो जा रहा था। इसलिए यहाँ पर RBI ने यहाँ पर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको जो नया ATM कार्ड जारी किया जाएगा, नया डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें आपको अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होगा, उससे इंटरनेशनल शॉपिंग नहीं हो पाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ इंडिया के अंदर ही उस कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इंडिया से बाहर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक से आपको इजाज़त लेना होगा। यहाँ पर इसके बाद जो दूसरा कहा गया, यहाँ पर अगर ग्राहक इंटरनेशनल लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन चाहता है तो इसके लिए अलग से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। ये साफ है कि जब कस्टमर चाहेगा तभी उसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कार्ड की सेवाएं मिलेगी, जब आपकी मर्जी से। अब यहाँ पर पहले क्या था कि जो भी ATM कार्ड जारी होता था या क्रेडिट कार्ड जारी होता था तो आपको इंटरनेशनल भी सपोर्ट रहता था, लेकिन अब यहाँ पर जो नया कार्ड जारी होगा उसमें बैंक की तरफ से आपको जारी नहीं किया जाएगा, आपकी पसंद के अनुसार जारी किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप इंटरनेशनल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इंटरनेशनल शॉपिंग इसमें चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप इस कार्ड के थ्रू चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपकी मर्जी से यहाँ पर उस सेवा को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद कस्टमर जब चाहे तब उसे कोई भी सर्विस को एक्टिवेट या बंद कर सकता है, कभी भी कार्ड को, ATM कार्ड को, ट्रांजेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने वीडियो बना के बताया भी था, यहाँ पर काफ़ी सारे बैंकों ने अपने अपने ऐप में साथ ही वेबसाइट के थ्रू भी अपडेट कर दिया है जिसमें कि अब आप यहाँ पर कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कार्ड को अपने ATM कार्ड, आपका ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है, आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी से चलता है। तो मैंने आपको जितने भी बैंक का जो अभी अपडेट दिया है, जो भी बैंक के ऐप में अपडेट आया है या फिर वेबसाइट में, उसमें मैंने आपको वीडियो बना करके बताया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंकों ने, जैसे हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपडेट ये अपने ऐप में दिया था जिसमें कि कार्ड को यानी ATM कार्ड को या फिर क्रेडिट कार्ड को स्विच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी से कार्ड को जब चाहे तब आप इसे बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब इसे चालू कर सकते हैं। यदि आप नहीं देखें वीडियो तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के ज़रूर देख सकते हैं किस तरह से हम ATM कार्ड के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो RBI ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर ग्राहक की मर्जी से कोई भी ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है उसको यहाँ पर लिमिट को सेट करने की मर्जी रहनी चाहिए, जैसे कि आपकी मर्जी से ही जितनी चाहे उतनी आप यहाँ पर लिमिट को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको लिमिट यहाँ पर मिलता है सेट करने के लिए, जैसे कि आपके आपने सेट कर दिया 50,000 आपकी लिमिट है ATM कार्ड की एक दिन की, तो आप यहाँ पर चाहें तो उस 50,000 जो ATM लिमिट है उसको घटा करके 10,000, 5,000, 15,000 कर सकते हैं, और जब चाहे तब उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से यहाँ पर ATM का लिमिट
सेट कर सकते हैं। इसके अलावा POS की भी, यहाँ पर POS का भी ट्रांजेक्शन, POS के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होता है उस पर भी लिमिट सेट करने की आपको दिया गया है, जिसमें कि अब आप यहाँ पर POS के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें भी 50,000, जैसे 50,000 की लिमिट है, 2,00,000 की लिमिट है, तो उसमें आप अपने मन से 10,000, 20,000, 30,000 जितनी मर्जी है उतनी POS की लिमिट को सेट कर पाएंगे। तो ये नया अपडेट आप लोगों के सामने मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो पांचवा अपडेट है, इसके अलावा पांचवा अपडेट में कार्ड के स्टेटस में किसी तरह का बदलाव होने पर कार्ड धारक को तुरंत SMS के थ्रू अलर्ट मिलना चाहिए। यानी कि अब आपको यहाँ पर यदि कार्ड में कोई चेंजेज होता है, जैसे कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट हो रहा है या फिर कार्ड के थ्रू चेंज कर रहे हैं, जैसे आप उसको ऑफ कर रहे हैं या फिर ऑन कर रहे हैं, तो ये SMS के थ्रू भी मैसेज मिलना चाहिए ग्राहक को। या फिर यहाँ पर लिमिट जो आपने सेट किया है, मान लीजिए आज लिमिट आपने सेट कर दिया अपने कार्ड को 10,000, जो आपने 10,000 लिमिट सेट किया है, ये लिमिट का मैसेज मिलना ज़रूरी है आपके मोबाइल नंबर पर। और यदि POS की लिमिट आपने जो सेट किया है 10,000 या 5,000, जितनी भी लिमिट सेट किया है, इसकी भी SMS आनी चाहिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो ये अपडेट आपको मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।